आपका कोई अथॉरिटी की तरफ से ऑर्डर आया है कि इसको टोल को बंद किया जाएगा या फिर क्या आगे इसकी मौजूदा स्थिति रहेगी सर, आपको जानना चाहूँगा। कल जब एलजी साहब ने स्टेटमेंट दिया, आप सभी मीडिया साथियों के सामने दी है, और हमें ये लगता था कि उस स्टेटमेंट के बाद आज ये सब घटना नहीं होनी चाहिए थी, पर फिर भी लोग आए हैं, उन्होंने यहाँ पर रोड के साइड में जो प्रोटेस्ट किया है, पर अभी इस समय जो है यातायात चल रहा है और जो भी यात्री लोग हैं, जो भी आने जाने वाले लोग हैं, उनको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। सर उनसे बात की जा रही है, प्रदर्शनकारियों से बात की जा रही है, प्रशासन की चलती है तोड़ फोड़ का भी मामला सामने आया है, जिसने की होगी उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। सर जिस तरह से पहले वो रोड के बीचों बीच बैठे थे, उसके बाद अब उनपुर साइड पे किया गया, तो आगे की किस तरह के रहे? मैं वही कह रहा हूँ कि जिसने भी उन नियमों को तोड़ा है उसके खिलाफ जो कार्रवाई बनती होगी वो करेंगे। प्रदर्शनकारियों का ये कहना है कि जब से उन्हें जब तक उन्हें लिखित में नहीं मिलता है तब तक वो यहाँ से नहीं उठते। ऐसा है कि जब सरकार का एक हेड ये वाली बात बोल रहा है तो कोई भी समझदार व्यक्ति यही चाहेगा, यही सोचेगा कि हमें उसका इंतज़ार करना चाहिए, उसके निर्णय का इंतज़ार करना चाहिए। तो मैंने जो पहले बात बोली कि जब एक बार कल एलजी साहब ने ये वाली स्टेटमेंट दे दिया तो आज का प्रदर्शन बनता ही नहीं, पर फिर भी ये लोग इकट्ठा हुए हैं। पर इस टाइम हमारे लिए सबसे अच्छी बात यही है कि यातायात जो है बिल्कुल भी बाधित नहीं। क्या मैसेज रहेगा प्रदर्शनकारियों? यही कि उनको इंतज़ार करना चाहिए और अननेसेसरी अभी लोगों के लिए और कोई परेशानी का कारण नहीं बनना चाहिए। थैंक यू सर।